गुड मॉर्निंग। जल्दी आ गई तुम। देर से आने से तो बेहतर है। लगता है आज कोई नहीं है। सफाई आप खुद कर रहे हैं? हाँ, कभी कभी कर लेना चाहिए। आपको पसंद है दरिया? हाँ बहुत। और तुम्हें? इतना ज्यादा पसंद नहीं, मुझे ये थोड़ा परेशान को लगता है। साल में एक दफा आती हूँ बस, वो भी तफरी के लिए, और सर्दियों में तो मैं बिल्कुल नहीं आती। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सूरज के नीचे भी नहीं बैठ सकती हूँ। अगर तुम वाकई दरिया की मजे लेना चाहती हो तो छोटी सही कश्ती जरूर होनी चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। एक 40 मीटर की कश्ती है हमारे पास। अगर सौदा हो गया तो वो मेरी है। मजाकरा चल रहे हैं? नहीं, तुम्हें इतनी बड़ी की जरूरत नहीं, छोटी से भी काम चल जाएगा। वैसे मेरा मतलब पहले हमारे पास होती थी, हम आइलैंड पे जाते थे बाबा के साथ फिशिंग करने के लिए। बहुत अच्छा लगता था। मुझे फिशिंग करना नहीं पसंद। मेरे जैसे इंसान के लिए ये काम बहुत थका देने वाला है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। इंतजार करने में ही तो मजा है। वैसे क्या तुम इंतजार करते हुए बातें कर सकती हो? शायद आप ऐसा करते होंगे। पहली दफा जब बाबा के साथ फिशिंग के लिए गया था, हमने मछली की डोर फेंकी और शिकार का इंतजार करने लगे। बाबा फिशिंग के माहिर थे, उन्होंने खूब शिकार किया और मैं सिर्फ खड़ा उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद वहीं खड़े खड़े मुझे लगा कि मेरी डोर में भी कुछ फंस गया। देखा तो वो लकड़ी थी। उसके बाद बाबा खूब हंसे मुझ पे। फिर बाबा ने सिखाया मुझे, लेकिन फिर शिकार नहीं किया मैंने। वो क्यों? मुझे लगता था कि शिकार मेरे बस की बात नहीं। बस यही वजह थी कि मैंने शिकार करना छोड़ दिया। वैसे माहीगीर हमेशा पहली मछली छोड़ देता है। जिस मछली का मैंने घंटों इंतजार किया वो कहीं पानी में गायब हो गई। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है शिकार में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे पसंद आया, मेरे ख्याल से अच्छी रस्म है। फिर एक दिन मेरे बाबा ने कहा, दरिया का एक उसूल है, आप नहीं बल्कि मछली आपको मुंतखब करती है। अब तुमने मछली को छोड़ दिया है, लेकिन वो चाहेगी तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। फरीद साहब, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास क्या कर रहा है? अब तुम आजाद हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हमारे बीच। लेकिन ये आपने क्या किया? मैं अब तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, सब कुछ तुम पर है। जहां चाहो वहां जा सकती हो तुम, तुम्हारा फैसला है। आपका शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया नाज़ली, हर चीज के लिए। बॉस इतना सख्त भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। मैं जैसे ही शौक से निकली फौरन यहाँ चली आई। जब मेरा फोन बजा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। नाज़ली, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। आपको कैसा लगता है? आजकल मुझे अपने फैसले पर यकीन नहीं है। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मेरे अंदर की आवाज कह रही है कि सब अच्छा हो जाएगा। हम यहाँ काम नहीं कर सके क्योंकि हमें खाना बनाना नहीं आता, वरना ये लोकेशन बहुत अच्छी है काम के लिए। नाज़ली, मुझे लगता है तुम यहाँ बहुत आराम से तरक्की कर सकती हो, और मनामी, एक बहुत अच्छी सहेली मिल गई है तुम्हें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। अगर इजाजत दो तो अब मैं चलता हूँ। अब से ये जगह तुम्हारे हवाले है, ये रही चाबी। लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया अभी। लड़की, जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर देना, वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मेहमत साहब, हम दोनों इस जगह में थोड़ी सी तब्दीलियां करना चाहते हैं। अली साहब यहाँ पे 50% के पार्टनर हैं, इसलिए हमने सोचा कि मशवरा ले लें। नाज़ली, मोहम्मद की तरह अली भी बहुत जगह पार्टनर है, इसलिए वो ज्यादा वक्त यहाँ नहीं गुजार सकता। वो सिर्फ होटल खोलने और रात के खाने के लिए यहाँ आएगा। बिल्कुल, मेरी तरफ से मुबारक हो। हम कल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करेंगे। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। गुड लक माय डियर। बहुत शुक्रिया। ठीक है लड़कियों, फिर मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं।
देखो नाजनी, ये काम भी हो गया। ये हमारे ख्वाबों की चाबी है। अब हम कहाँ से शुरू करें बताओ, हम क्या करें? मेरे पास सब इंतजाम है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें कौन से काम करने हैं। हमें इस जगह में थोड़ी सी तब्दीली करना होगी और वो कैफे की तरह लगना चाहिए। हाय कितना प्यारा है ये। नाजली मेरी जान, मैं दुआ करती हूँ कि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो और तुम बहुत सारे पैसे कमाओ। तुम बहुत बहुत तरक्की करो मेरी जान, मैं दुआ करती हूँ। यार फतोश, इंशाल्लाह तुम बहुत अच्छी हो। वैसे भी हम एक दूसरे के लिए ही हैं। तुम मेरे साथ रहोगी है ना? क्या मैं इसको अपने लिए मुलाजमत की पेशकश समझूं? हाँ बिल्कुल मेरी जान। अरे अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ जरूर काम करूंगी मेरी जान। मैं वादा करती हूँ जब भी मुझे काम के बाद भूख लगेगी मैं सीधा यही खाना खाने आऊंगी। ये जो तुम खा रही हो 2 महीने पुराना है। मैं तुम्हें कोई मुफ्त का खाना नहीं दूंगी, इसलिए खुश मत हो। उफ़ो आपा, ऐसे तो मत करे, हद होती है। क्या अपनी बहन से खाने के पैसे लेंगी? हाँ भाई एक बात बता दूं कि कारोबार में कोई बहन बहन नहीं होती। हाँ अगर तुम यहाँ पर लोगों को घेर घेर कर लाओ और हमारा कारोबार बढ़ाओ तो जरूर तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल सकता है। क्यों भाई नाजली? हाँ ये हो सकता है। ठीक है मैं अपने दोस्तों को खाने पे यहाँ ले आऊंगी, वो पैसे भी दे देंगे और मुझे बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी। हाँ कहीं पता चले कि ये दोस्त के नाम पे फरीद साहब को यहाँ लेकर आ गई। क्या मतलब उन्हें नहीं पता? फिलहाल तो नहीं, पर उनसे बात करके पता चल जाएगा। अरे बाहर फरीद साहब खड़े हैं। हाय हाय, चलो चलो नाजली मैं चलती हूँ, ठीक है ना? बहुत देर हो गई, चलो चलती हूँ, ख्याल रखना। हम बस जा ही रहे थे फरीद साहब, और मैं तो से थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर आई थी यहाँ पर, बस अभी निकल ही रही हूँ मैं। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। खुश आमदीद। नई जगह के लिए मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप मुझे मुबारकबाद देने आए हैं। आपको इस जगह का कैसे पता चला? शायद अभी मुझे कुछ खास कहने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। वो इस्तीफा तुमने यहाँ रेस्टोरेंट खोलने के लिए दिया था ना? जी हाँ यही बात है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब है क्रूज पर रेस्टोरेंट खोलना, लेकिन उस वक्त तुमने इन सब चीजों के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन सिर्फ एक बात जो मेरे समझ नहीं आई कि ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं आपको बता देती फरीद साहब तो आप एक बिजनेसमैन की तरह मेरी मदद जरूर करते। आपको शायद ये जगह पसंद नहीं आती, फिर अपना कोई सजेशन देते आप मुझे कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए और वो मुझसे नहीं होता। तो इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है, और शायद वो लोगों को पसंद भी आता, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं इस जगह के लिए खुद लड़ना चाहती थी। मैं सारे मसलों का हल खुद से ढूंढना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी एहसान लूं किसी का। मैं इस जगह के साथ खुद भी बदलना चाहती थी, बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह। मुझे लगता है कि इसमें अभी भी कुछ कमी है। जैसे? तुम सिर्फ आजाद होना नहीं चाहती थी नाजली, बल्कि तुम्हारा मकसद मुझसे दूर भागना था। पर मैं नहीं भाग सकती। क्या तुम ये कह सकती हो कि तुमने आज तक जो बात भी की है वो मुझसे सच की है? तुमने मुझसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, क्या ये कह सकती हो? मतलब मैं सही सोच रहा था। नहीं बाबा जान, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी से उधार लूंगी? हम सिर्फ बैंक से उधार लेंगे और 2 महीने तक कुछ पे भी नहीं करना। लेकिन बेटी तुम वो लोन अदा कैसे करोगी? तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। बाबा शुरू में मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन हम सब कुछ संभाल लेंगे। शुरू में मुनाफा कम होगा, पर जैसे ही रेस्टोरेंट चलने लगेगा हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर तुमने फैसला किया है तो तुम कामयाब हो जाओगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हारी अम्मी सलाम भी कह रही हैं। मेरा भी सलाम कहिएगा उन्हें बाबा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। आप जल्दी से इस्तांबुल आ जाइए। हाँ जल्दी आएंगे, मुझे भी तुमसे मिलना है। चलो बेटा मैं कॉल काट रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज बाबा जान, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सब सही होगा। तुमने यहाँ आके मुझे हैरान कर दिया है, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे इस जगह की इतनी याद आ रही थी।
बहुत दिन हो गए थे तुम्हें यहाँ आए हुए। पर यहाँ आके हमेशा अच्छा महसूस होता है। खुशामदीद। कुछ ठंडा पियोगी? मेरे पसंदीदा मेजबान, हाँ जरूर पियूंगी। ये तुम्हारे लिए। तुम्हारी आंखें तो खुशी से चमक रही हैं। क्या हो गया? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं सुन रहा हूं। मैंने, नाजली ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है डेनिस। क्या? तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट? अपनी जापानीज टीचर के साथ मिलके। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ना शायद? वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, फरीद साहब ने उसे फाड़ के फेंक दिया। मनामी ने मुझे उस कारोबार के बारे में बताया था, हालांकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, पर अब ऐसा लगता है कि मेरे सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यही है, पता है, अपने ख्वाबों को पूरा करने की शुरुआत है ये, समझो। हालांकि मुझे तुम्हारे सपने के बारे में नहीं पता था कुछ भी। ये मेरा बहुत पुराना ख्वाब था एक्चुअली, पर ये हकीकत से बहुत दूर था, इसलिए अभी तक इसका जिक्र नहीं किया मैंने। पर अब जब मेरे सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और तुम्हें ये बताना चाहती थी। बहुत अच्छा किया। जब तक तुम खुश हो ना नाजली, मैं सच कहता हूँ कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कसम से। मुझे बहुत खुशी है। हाँ, बस मुझे तुम्हारे अच्छे खानों की याद आएगी बहुत। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे खाने को मिस नहीं करोगे। मैं अभी भी तुम्हें कुकिंग का मशवरा देती रहूंगी, और उसके साथ जब तक काम शुरू नहीं होता मैं आती रहूंगी। और कल मुझे बैंक जाना है, फिर मुझे बावर्ची खाने में देखना है कि हमारे पास क्या चीजें नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई कमी रह जाए, पर तुम्हारी अहमियत अपनी जगह पे ही रहेगी। चीयर्स। मुझे पता था कि तुम्हें खुशी होगी जानकर। बेशक। अब ये कौन सी सेलिब्रेशन हो रही है? अरे यार नाजली, तुम तो जैसे रोज रेस्टोरेंट खोलती हो ना, अगर आज खुशी नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे, बताओ जरा। वैसे यार सेलिब्रेट कहाँ करना है? पता नहीं, उसे कॉल की थी, लोकेशन भी भेजी थी, पर उसे ये जगह मिल ही नहीं रही है। थोड़ी देर इंतजार करते हैं। ठीक है। अरे हाँ, फरीद साहब को ये लगता है कि तुमने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि तुम्हें रेस्टोरेंट खोलना था? हाँ। तो तुमने कुछ खराब नहीं किया? मैं कैसे कर सकती हूँ। हाय, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, बस हम पर अल्लाह का करम है। यार मेरी ये समझ में नहीं आता कि हमने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा था। पता नहीं फतोष, पर ये भी अच्छा ही हुआ। मैं एक बड़े चुंगल में फंस गई थी, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, अच्छा हुआ आजादी मिली इससे। हाँ अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं इस चुंगल से बच गई। बात सुने आपा, मैंने उसे बहुत कह के देख लिया लेकिन वो आ ही नहीं रही, बहाने ही खत्म नहीं हो रहे उसके। मुझे तो लग रहा है यहाँ आने का दिल ही नहीं है उसका, नए दोस्त मिल गए होंगे। नाजली बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कदीर भाई, आज यहाँ काफी रश है। आज तो तुम्हारे साथ एक मेहमान है। हाँ, और वो भी यहाँ से नहीं, सीधा टोक्यो से लेकर आए हैं आपके रेस्टोरेंट में। अच्छा जोक था, लेकिन मैं हंसूंगी नहीं। दरअसल मैं बिशक ताज से यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मैंने आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है। आप सबको खुश आमदीद। वैसे तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे आने का नहीं बताया। कौन सा दोस्त? वहाँ देखो, तुम्हारे पुराने दोस्त फरीद साहब। कदीर भाई, वो मुझे नहीं पता था फरीद साहब यहाँ आने वाले हैं। दरअसल हम लोग ना उनके साथ बिल्कुल भी नहीं आए हैं, इस वजह से आप हमें अलग टेबल दे दें। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ पे। हेलो नाजली। हेलो। मैं शायद तुम लोगों की जगह पे बैठ गया हूँ, मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस बाहर का खाना खाने का सोचा था हमने। चलो एंजॉय करो। आप भी। बहुत शुक्रिया कदीर भाई,
बैठो। वो तो यहां अक्सर आते रहते हैं, कभी मैं साथ बैठ जाता हूं। वो एक बाइखलाक और अच्छे इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, बस दूर से। देखो आज वो पुरानी कैसेट्स लाए, उन्हें पता है कि मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है। मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है, बता रहा हूँ तुम्हें। जी कदीर भाई, मेरे भी दिल में है, उनके लिए एक बहुत खास जगह है, मेरे पुराने बॉस की तरह। पुराने बॉस से मुराद? तुमने खाना पकाना छोड़ दिया क्या? जी कदीर भाई, मैं जिंदगी में थोड़ा आगे जा चुकी हूँ, बहुत कुछ चेंज हो गया है। कभी तफसील से बताऊंगी आपको सारी बातें, अभी बहुत भूख लग रही है। ठीक है बेटा ठीक है, तुम लोग यहाँ आराम से बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाजली, अगर तुम चाहो ना तो हम वहाँ जाकर बैठ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा सारा दिमाग तो वहीं लगा हुआ है ना? ऐसा कुछ नहीं है फतोश, बस मैं खो गई थी थोड़ा। सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या वहाँ पर जो लड़का बैठा है वो लड़का नाजली का एक्स है क्या? नहीं मनामी, हम कभी प्रेमी नहीं थे और वो मेरा एक्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम दोनों के बीच कुछ बहुत अजीब सा था। इन दोनों के बीच जो अजीब सा था वो मैं थी। आसमान, यहाँ चल क्या रहा है? जो भी चल रहा है आप उसे रहने दे, हम लड़कियाँ यहाँ मस्ती करने आई हैं, है ना? अपना मूड खराब नहीं करते। अरे हाँ ना यार, आप तो हमें यहाँ जापानी मर्दों के बारे में बताने आई थी ना, तो आपको कौन पसंद है, जापानी या टर्किश लोग? अरे मत पूछो, आजकल मैं मोहम्मद और तकिश के बीच में उलझी हुई हूँ। मेहमत कहना आसान है, नाम भी बेहतर है। आपको पता है ये बैंगन का भरता बहुत ही लजीज बनाते हैं। वैसे तो नाजली भी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन कादिर भाई इसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं बना सकती। अच्छा मुझे ट्राई करने दो। वो अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही। कोई भी नहीं। नाजली तुम्हें पता है कि तुम कैसी लग रही हो, बिल्कुल मेट्रो बस जैसी लग रही हो। जैसे मेट्रो बस इंतजार कर रही होती ना खड़े खड़े स्टेशन पे, कब लोग आएंगे और कब मुझ में बैठेंगे फिर मैं जाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही। मैं तुम लोगों को बताऊं कि चेहरा कैसा है, सोचो वजन कम करने की ठान ली और पूरे दो हफ्ते में इस तरह से 5 किलो वजन कम करने के बाद ऐसा चेहरा हो जाता है, बिल्कुल ऐसी शक्ल तुम्हारी तरह। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुम्हारा देखना अच्छा लग रहा है। अरे आप भी इन दोनों के साथ मिल गई, क्या मैं अब वहाँ देख भी नहीं सकती? हाँ बिल्कुल तुम देख सकती हो नाजली। ठीक है फतोश, अब मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, बस यहीं देखूंगी और तुम्हारी बातें सुनूंगी बस, लेकिन उधर नहीं देखूंगी। अब आप मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं अगर आपकी जगह पर होती तो अभी तक मैं 40 चक्कर लगा चुकी होती उस टेबल के। मैं क्यों जाऊँ वहाँ, वो भी तो आ सकता है, बस वहाँ जम के बैठ गया है लेकिन यहाँ नहीं आ सकता। मेरी प्यारी आप खुद सोचे वो यहाँ पर क्यों आएंगे, और अगर आप ही गए तो सोचो वो यहाँ पर कहाँ बैठेंगे। क्या ये बात है, ये भी हो सकता है। अरे मेरी जान नाजली, तुम चाहो तो जाके 2-4 बातें कर लो उससे, या फिर चाहो तो हमारी टेबल पर ही बुला लो उसको, जैसा तुम चाहो। मैं क्यों बुलाऊं उसे, मैंने उसे एहतराम से सलाम कर लिया, यही काफी है, मुझे नहीं लगता कि उसको दावत देने की जरूरत है। मनामी आपको क्या लगता है? तुम्हें जाना चाहिए, जाके सलाम करो और जैसा जवाब आए उस हिसाब से बात करना, तुम देख लेना तुम्हें बैठना है या नहीं। ये भी ठीक है, लेकिन ये सही लगेगा क्या? ये तुम वहाँ जाकर क्या कहोगी उसे, सलाम खुश आमदीद और फिर शब बखैर कहकर वापस आ जाओगी, कुछ अजीब सा नहीं लगेगा क्या? ये मुझे तो ये पसंद नहीं आया। इससे क्या फर्क पड़ता है यार, अगर आपा वहाँ जाएंगी तो क्या वो उनको बैठने के लिए नहीं कहेंगे? अरे नाजली बेबी तुम क्या सोच रही हो, हाँ तुमने अपने दिल की सुननी है, सही है? बताओ क्या दिल कह रहा है तुम्हारा। फतोश मेरा दिल बहुत तेजी से बोल रहा है इस वक्त कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी देर और सोचना है फिर फैसला करूंगी मैं बिना उसकी तरफ देखे। ठीक है, सिर्फ तुम लोग कह रहे हो इसलिए जा रही हूँ उसको बुलाने। हाँ हाँ आप बिल्कुल ऐसा ही है। देखो आसमान, मुझे बिल्कुल परेशान मत करो। अरे आपको जो दिल करे वो करे, जाकर यहाँ लाकर सबसे बड़ी गलती कर दी, आपकी उलझनों की वजह से हम ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे। क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं वो कर लूँ, मैं क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ? बस चुप करो,
मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इतने सालों से मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें। ना शुक्रिया, मैं जा रही हूँ। अगर मैं 10 मिनट में वापस ना आई तो कोई बहाना करके बुला लेना, जैसे घर पे कोई बीमार हो गया है, घर जाना है फौरन। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो पेशावर झूठी हो। सही कह रही है, देखो फौरन चली गई वहाँ। गुड इवनिंग फरीद साहब, मैं बस आपको ये कहने आई थी, आप अच्छे से खाइएगा। अगर आप अकेले बोर हो रहे हैं तो हमारी टेबल पर आ जाइए। शुक्रिया नाजली, पर मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। क्योंकि आप जिद कर रहे हैं इसलिए बैठ जाती हूँ। देखो तो, आप हमेशा यहाँ आते हैं क्या? अच्छे खाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बस इतनी सी बात है। हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ अपनी पार्टी मनाने आई होगी? जी हम कुछ छोटा मोटा करने का सोच रहे थे। फरीद साहब क्या बात है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? हाँ कह सकती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। देखिए, मैंने जानकर के वो रेस्टोरेंट वाली बात आपसे नहीं छुपाई, चीजें बस अचानक से होती गईं, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट आपने फाड़ा था। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं फाड़ती तो मैं वहाँ जा ही नहीं सकती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं भागती? मुझे यकीन नहीं था, इसलिए इस बात को छोड़ दो। फरीद साहब, मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, मैं बहुत उलझन में हूँ, मतलब मैं खुद को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रही। नाजली, अब से मैं तुमसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिसका तुम जवाब ना दे सको। अगर तुम एक दिन खुद से बताना चाहो मैं इंतजार करूंगा, बस इतनी सी बात है। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। शब बखैर। इधर आए। क्या हुआ? बहुत शर्मनाक था मेरे लिए, काश मैं वहां जाती ही नहीं। तो आपको ये रेस्टोरेंट खरीदने के लिए कर्ज चाहिए? जी बिल्कुल। कैसी लगी आपको ये जगह? आइए बैठकर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। नाजली, आपके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है? जी मैंने बस अभी ही नौकरी छोड़ी है अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने के लिए, और इस वक्त हमें लोन की जरूरत है। क्या कोई और कमाई का जरिया है, जिस तरह से आपको कोई किराया मिलता हो जो आप दे सकें? नहीं। कोई जमीन जायदाद जो आपके नाम पर हो? नहीं। देखिए, आप जो कर्ज की रकम लेना चाहती हैं वो बहुत बड़ी है, हम इतना बड़ा कर्ज नहीं दे सकते। लेकिन सर, मैंने पहले भी आपके बैंक से रकम उधार ली है। आपके पास घर भी है और आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ती हैं। लेकिन सर, यहाँ नाजली के साथ बिजनेस तो मैं भी करूँगी ना, और हम दोनों मिलकर इसे चलाएंगे, हम आसानी से आपका कर्ज वापस कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। आपने बैंक से 3 साल पहले लोन लिया था? हाँ, आसमान के क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए कर्जा लिया था, लेकिन इससे इसका क्या ताल्लुक? लेकिन कर्ज लेकर और आपकी तरफ से किस्तों में भी देर हुई थी। जी आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं वो सारा कर्जा अदा कर चुकी हूँ। जानता हूँ पिछले 2 महीने से किस्त आपने टाइम पर जमा कराई है, लेकिन आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है। 1 लाख का कर्ज मिलना भी बड़ी बात है और आप 4 करोड़ का सोच रही हैं। फतोश, कोई बात नहीं बनी है, क्या बताऊं मैं तुम्हें, सब खत्म हो गया। ठीक है, जब तुम आओगी तो बात करते हैं। हाँ नाजली, ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। अब तुमने क्या सोचा है? मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। अगर लोन नहीं मिल सकता तो हम काम नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है,
क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मैं इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती, अगर कोई और तरीका होता तो मैं जरूर कोशिश करती। यार मोहम्मद, अगर तुम हमें थोड़ा वक्त और दे दो तो शायद हम कुछ कर सकें। हाँ मनामी, मेहमत साहब की परेशानी और नहीं बढ़ाते, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, लेकिन मुझे भी आगे सरमाया करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे कोई दूसरा तरीका भी देखना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर, दुआ करता हूँ जल्द मुलाकात हो और कोई अच्छी खबर मिले। ठीक है मनामी? ठीक है। आह मेरी प्यारी नाजली, अरे मेरी जान, क्या हो गया है? प्लीज उदास मत हो तुम। सब कुछ खत्म हो गया, हम इतनी जल्दबाजी में थे कि नाजली, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उन बैंक्स पर लानत हो जो तुम्हें उधार नहीं दे रहे। क्या मतलब है कि ब्लैकलिस्ट कर दिया? अल्लाह अल्लाह, उनको किसने हक दिया मेरी दोस्त को ब्लैकलिस्ट करने का? सिर्फ इस वजह से कि उसने दो छोटे छोटे कर्ज वापस नहीं किए? मुझे नहीं लगता कि वो जज्बात में कोई काम करेंगे। यार नाजली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त, ये कैसे बैंक है जिसने मेरी दोस्त के ख्वाब ही छीन लिए सारे? कौन करता है ऐसा? मेरा मतलब यार, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तो कहती हूँ जाके इनके बैंक्स पर धावा बोल देते हैं। रुको फतोश, खामोश हो जाओ थोड़ा, हम जरूर इसका कोई हल निकालेंगे, हार नहीं मानेंगे। हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, पर हार नहीं माननी चाहिए। हमने एक लंबा सफर तय किया है, कितना दूर आ गए हैं हम। बेशक हम जवान हैं, हम बासलाहियत हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ सलाहियत तो बहुत है हम लोगों में, लेकिन सब्र करने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये सोचने लगी थी कि इस बात का अंजाम क्या होगा। इसे अंजाम तक पहुँचाऊंगी। खैर अभी लगता है हालात हमारे फेवर में नहीं है फतोश, हम हार नहीं मान सकते, हमें और लड़ना होगा। हमारे ख्वाब एक दिन जरूर पूरे होंगे और आखिरकार सब अच्छा होगा, हम जरूर करेंगे ये एक दिन। बस हमें एक दूसरे का साथ देना है, फिर देखना तुम, हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बेशक हम हार नहीं मानेंगे। शायद बैंक से कॉल आई है। यार जी मिस इकबाल। नाजमिया साहिबा। हेलो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने होंगे। जी जरूर आ जाऊंगी। तुम जब भी फ्री हो कंपनी आ जाओ, हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर देंगे। मैं इस वक्त बहुत फारे हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं भी आ सकती हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अपना ख्याल रखना। आपका भी। मिस इकबाल की कॉल थी, कंपनी बुला रही है।